आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अभी इनवॉइसिंग को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है, दो एडवाइजरी भी जारी की गई है, फिर भी कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो आज इस वीडियो में पूरे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जब हम बात करते हैं इनवॉइसिंग की, तो पहले ये समझ लीजिए कि इनवॉइसिंग किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर हम इनवॉइसिंग की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, अगर आपके प्रीवियस ईयर में, अगर आपकी जो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो ही आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। कई लोगों को कन्फ्यूजन है, सर ये 5 करोड़ वाली लिमिट आ गई है, 10 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ है। भाई ये जो 5 करोड़ की ना न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी 5 करोड़ की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अभी हम जो बात करेंगे इनवॉइसिंग के लिए, वो 10 करोड़ की ही करेंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 या 22-23, इनमें से अगर आपकी किसी भी साल में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर सारे एक पैन नंबर पे सारे जीएसटी को मिलाकर अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। अब आप होता क्या है कि ई इनवॉइसिंग जब आप करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ई इनवॉइस बना नहीं पाते, लेकिन आपको माल भेजना होता है, तो आप क्या करते हो, उसका नॉर्मल इनवॉइस बना देते हो। जैसे लेट सपोज करो, मेरे को माल भेजना है रात को 10 बजे, और उस टाइम पर मेरा अकाउंटेंट चला गया, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक इनवॉइस बना देते हैं और माल को रवाना कर देते हैं, और बाद में उसका ई इनवॉइस बना देते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, बाद में ई इनवॉइस क्यों बनाते हैं? अगर हम बाद में ई इनवॉइस ना बनाए तब भी काम चल जाएगा? भाई नहीं, बाद में आपको ई इनवॉइस बनाना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूल नंबर 48 है, उस रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल था और आपने किसी और, ठीक है ना, किसी और तरीके से, ठीक है ना, इनवॉइस बना दिया, मतलब कि ई इनवॉइस नहीं बनाया, तो हम आपको ये मानेंगे कि आपने कोई इनवॉइस इशू ही नहीं करा। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि जब भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ई इनवॉइसिंग ही करें। लेकिन अगर आपके पास कई बार अकाउंटेंट नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आपने क्या करा, नॉर्मल इनवॉइस बना दिया। अब होता क्या था कि नॉर्मल इनवॉइस बना दिया किसी भी गलत फहमी में या अकाउंटेंट ना होने की वजह से। फिर उसके बाद कोई पूछता है, सर अब इनवॉइसिंग बनाएंगे तो क्या डबल इनवॉइसिंग नहीं हो जाएगी? नहीं भाई, पहली बात आप ये समझो, अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया तो इसका मतलब इनवॉइस इशू ही नहीं हुआ। तो आप क्या करो, लेट सपोज ये वाली ट्रांजेक्शन थी 28 फरवरी की, और आपने नॉर्मल इनवॉइस बना दिया और उसे GSTR 1 में भी दिखा दिया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, इनवॉइसिंग करे क्या? आंसर इज यस, ई इनवॉइसिंग आपको करना जरूरी है। सर क्या आप GSTR 1 में दोबारा दिखाना पड़ेगा? ये तो डबल रिपोर्टिंग हो जाएगी। भाई पहली बात तो आपने जो GSTR 1 में पहला वाला इनवॉइस दिखाया वो गलत ही है, क्योंकि वो तो इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी। तो पहले ये समस्या बड़ी आती थी कि हम क्या करते थे कि पहले इनवॉइस बनाते थे, फिर ई इनवॉइस बनाते थे, और इसके अंदर जो टाइम लिमिट थी, टाइम लिमिट मेंशन नहीं थी। होता क्या था, 28 फरवरी को मैंने, ठीक है ना, नॉर्मल इनवॉइस बना दिया, और आज बैठकर, ठीक है ना, आज कौन सी तारीख है, लेट सपोज आज 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल को इनवॉइस बना रहा हूँ, तो कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं थी। हम बैक डेटेड के ई इनवॉइसिंग बना सकते थे, पोर्टल हमें अलाउ करता था। माल चला गया 28 फरवरी को, नॉर्मल इनवॉइस बन गया, लेकिन उसका ई इनवॉइस कब बनना है, 15 अप्रैल को। अब गवर्नमेंट ने कहा, भाई नहीं, अब ऐसा मत करो। तो गवर्नमेंट ने 12 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी करी, और 12 अप्रैल की एडवाइजरी जारी करने के बाद क्या लिखा कि भाई देखो, अगर आप ई इनवॉइसिंग कर रहे हो, आपने माल भेजा है 1 अप्रैल 2023 को, तो आप ई इनवॉइसिंग 8 अप्रैल 2023 तक कर लेना। 8 अप्रैल 2023 के बाद हम आपको नहीं करने देंगे, मतलब कि 7 दिन का टाइम दिया है। तो जब आप ई इनवॉइसिंग वाले पोर्टल पर जाओगे और आज ई इनवॉइस बना रहे होंगे, तो आपको, ठीक है ना, 2 महीने पहले का ई इनवॉइसिंग बनाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने अगर ट्रांजेक्शन 7 दिन के अंदर अंदर करी है, तो ही ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी होगी। ये वाली रेस्ट्रिक्शंस है, ये कब से लगने वाली है, 1 मई 2023 से लगने वाली है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी पेंडिंग इनवॉइसेस पड़े हुए हैं जिसमें कि आपने ई इनवॉइसिंग नहीं करी, लेकिन ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी आपके ऊपर,
तो आप फटाफट से उसकी इनवॉइसिंग कर लें। 1 मई के बाद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वैसे तो भाई आपको समझना है कि इनवॉइजिंग 10 करोड़ से ऊपर वालों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगा रहे हैं? 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए। कि मतलब कि 100 करोड़ से ऊपर वाले हैं तो भाई तुम टाइम से कर लो, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है ये लिमिट रिड्यूस कर दे और ये रेस्ट्रिक्शन आप पर भी लग जाए। ठीक है, क्या सर ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पर भी लगेगी? आपको ये पता होना चाहिए कि इनवॉइजिंग अगर होती है तो वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी इनवॉइजिंग करनी पड़ती है, तो ये रेस्ट्रिक्शन उन पर भी लगेगी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पर 2 एडवाइजरी आई थी, एक 12 अप्रैल को आई थी और एक बाद में आई थी। तो पहले वाली एडवाइजरी में डेबिट और क्रेडिट नोट मेंशन नहीं था, फिर बाद में उन्होंने करेक्ट करके डेबिट और क्रेडिट नोट वाली एडवाइजरी आपको दे दी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एडवाइजरी का क्या मतलब है और इस ई इनवॉइजिंग का क्या मतलब है। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारी जो क्लासेज हैं वो ले सकते हैं। सर क्लासेस कौन सी चल रही है? अभी भैया हमारी इनकम टैक्स की क्लासेस चल रही है 7 से 9 तक। तो अगर किसी ने नहीं ज्वाइन करी है तो हर सैटरडे करते हैं, आज भी होगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा संडे टू संडे चलती है हमारी जीएसटी की 3 से 7 तक। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं करी है तो आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। अब ये दोनों एडवाइजरी आपको क्लियर हो गई होगी, इनवॉइजिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।